चलिए गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार बता दो, एक बार चैट में कंफर्म कर दो आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या, सो दैट जो हम आज की क्लास है वो क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाए। एक बार मेरे को बता दीजिए चैट में आवाज आ रही है क्या। चलिए सो स्टार्ट करते हैं भाई लोग अपनी आज की क्लास। आई होप सब लोग आ गए हैं। चले गए, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आई होप मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले भाई फटाफट से लास्ट क्लास का हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन लास्ट क्लास की। और मैं एक और चीज बोलूंगा गाइस कि ये जो आजकल चैट में चल रहा है स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं, स्टूडेंट का ग्रुप, बेटा वो स्टूडेंट के ग्रुप में एक दो बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े इश्यूज हो गए बच्चों के साथ, ठीक है ना, जिससे दिक्कत आई है। खासकर गर्ल्स को मैं बोलूंगा कि ऐसे कोई ग्रुप आप ज्वाइन ना कीजिए। जो ऑफिशियल ग्रुप इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ओनली वही ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो दिक्कत जा सकती है। लास्ट के लास्ट 2-3 बैच पहले ऐसा कुछ इशू हुआ था जिस वजह से हम ऐसे कोई ग्रुप्स को प्रमोट नहीं करते हैं। ओनली एंड ओनली ऑफिशियल जो सीएस कार्ड इंडिया का ग्रुप है वही ग्रुप आपको यूज करना है, और कोई ग्रुप में आप ज्वाइन ना हो, नहीं तो नुकसान हो सकता है, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत जाएगी यहाँ पे पढ़ने में भी। नहीं क्लियर? सो अगर ऐसा कोई चैट में बंदा कोई चीज डाल रहा है उसको फिर दिक्कत जाएगी पढ़ने में, ठीक है ना, क्योंकि एक बार दिक्कत गई है स्टूडेंट्स को, अब दोबारा ना जाए इसलिए हम उस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को फिर चैट करने नहीं दिया जाएगा, नहीं तो फालतू तो में स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है यार, ठीक है ना। 2-3 टाइम पहले हो चुकी है, तो पढ़ाई करना है तो यहाँ पे अपन बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। चलिए बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरा कंप्लीट कर लिए थे। हमने वहां पे बात कर रहे थे फटाफट से सुप्रीम कोर्ट, एक क्विक रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 124 के तहत बना हुआ है, हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 214 के तहत बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ है आर्टिकल नंबर 124 के तहत बना हुआ है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 214 के तहत बना हुआ है, ठीक है ना। फिर हमने देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमने बोले थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़े जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उनको भी, और जो बाकी अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं तो उस समय अगर उनको लगता है तो वो छोटे जजेस से कंसल्ट करेंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं करने की जरूरत है तो वो नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अपॉइंट करते किसको, अदर जजेस को, तो उस समय उनको सीजीआई से कंसल्ट करना कंपलसरी रहता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब छोटे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस समय बड़े जज से कंसल्ट करना उनका कंपलसरी रहता है, सीनियर से उनको पूछना कंपलसरी रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि हमारी कंट्री के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस है, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 34 जजेस हमारी कंट्री के अंदर है आज की तारीख में, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखे थे कि हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है स्टेट के अंदर। वर्ड्स पे ध्यान दो, सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है कहाँ पे, स्टेट के अंदर, ठीक है ना। उसके पास पावर है पनिशमेंट करने का। सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर भी एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं, बट अब हर एक हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एक चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का और बाकी अदर जजेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दो दिया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अलग होगा और अदर जजेस अलग होंगे। फिर हमने देखे थे कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल मिला के 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है ना, जो हमारी कंट्री के अंदर आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं, 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है ना। और उसके अंदर एक जो हाई कोर्ट है, सॉरी 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर क्या है कंट्रोल है, बॉम्बे, गुवाहाटी और पंजाब एंड हरियाणा। ये 3 हाई कोर्ट्स है जिनका एक से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर क्या है कंट्रोल है। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन को उसके ऊपर कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, उसका मतलब वो है, ठीक है। चलिए क्लियर, चलिए अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं आपको ट्राइब्यूनल के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे ट्राइब्यूनल के बारे में जो इतनी थ्योरी लिख के दी हुई है, ठीक
ठीक है ना, ये जो आपको यहाँ पे थ्योरी लिखी दिख रही है ट्राइब्यूनल के बारे में, ठीक है ना, इसको मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, यहाँ से हम ना पढ़ते हुए मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको ट्राइब्यूनल्स का मतलब समझाता हूँ कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या है और ट्राइब्यूनल्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, जब हम कोर्ट की बात करते हैं, तो उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो ट्राइब्यूनल्स क्या है और कोर्ट क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, ये सब हम एक बार आपके साथ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ट्राइब्यूनल की, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ट्राइब्यूनल की, तो ट्राइब्यूनल का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट, मतलब ये भी एक कोर्ट ही है, बट ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया कोर्ट है, ये भी एक प्रकार से क्या है, कोर्ट ही है भाई, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, ट्राइब्यूनल कुछ अलग चीज नहीं होती है, ट्राइब्यूनल भी एक कोर्ट ही है, बट वो एक स्पेसिफिक पर्पस द्वारा बनाया गया कोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट मतलब क्या और नॉर्मल कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, अब दम जो बात, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, या कुछ उल्टे सीधे काम कर दिए, ठीक है ना, तो ये सारे टाइप के केसेस जो है वो कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं। ये सारे टाइप के केसेस कहाँ पे जाते हैं भाई लोग, कोर्ट्स में जाते हैं, किसी ने किसका मर्डर कर दिया, किसी ने कोई चोरी कर ली, ठीक है ना, तो ये सारे टाइप के केसेस जो है वो कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। ये सारे टाइप के केसेस बेसिकली कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि अब ऐसे इन चीजों की वजह से एक सेकेंड गाइस, जस्ट एक सेकेंड गाइस, हाँ, सो हम क्या बात कर रहे थे कि ये स्पेसिफिक पर्पस कोड है। तो अब जैसे जनरल कोर्ट्स जो होते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, ठीक है ना, जनरल पर्पस कोर्ट्स जो होते हैं वहां पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। अब जब जनरल पर्पस कोर्ट में ज्यादा केसेस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है। अब समझो बात को, क्या हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है केसेस सॉल्व करने में, तारीख पे तारीख, इतनी तारीख आती है, ठीक है ना, तारीख पे तारीख, इतनी तारीख आती है, जिसकी वजह से लोगों को क्या जाती है, दिक्कत जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैटर्स रहते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, उन इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए एक अलग से स्पेसिफिक कोड बना दिया, वो इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए अलग से एक क्या बना दिए गए, स्पेसिफिक कोर्ट बना दिए गए, ठीक है ना, उन स्पेसिफिक मैटर्स के लिए, मतलब वो ऐसे कोर्ट्स बना दिए गए जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस के लिए वो कोर्ट बनाया है, वही पर्पस से रिलेटेड, वही मैटर से रिलेटेड केसेस वहां पे लड़े जाएंगे, उसके अलावा और कोई केस वहां पे नहीं आएगा, उनके अलावा और कोई केसेस वहां पे नहीं आएगा, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पर्पस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं आपको बात करता हूं, तो अब कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी मैटर है, अब मान लो दो कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, या कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी मैटर हो गया, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई मैटर हो गया है, कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है ना, तो अब उसका केस अगर जनरल कोर्ट में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जनरल कोर्ट में जाएगा, जहां पे मर्डर के केस, चोरी के केस, सारे टाइप के केसेस वहीं पे जा रहे हैं, तो भाई उसका डिसीजन आने में कितना टाइम लग जाएगा, वो सनी देवल का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को, तो तारीख पे तारीख, कितनी तारीखें हो जाएंगी बे, तो दिक्कत क्या चले जाएगा कि जो डिसीजन है वो बहुत डिले होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दी, इसका नाम डाल दिया उसने एनसीएलटी। अब एनसीएलटी बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो ये भी एक ट्राइब्यूनल है, ये भी एक कोर्ट है, इसके पास पावर पूरे कोर्ट वाले ही रहते हैं, ट्राइब्यूनल्स के पास, ठीक है ना, पूरे कोर्ट वाले ही पावर रहते हैं, बस फर्क इतना सा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ जो स्पेसिफिक मैटर से बनाया रिलेटेड है, वही मैटर से रिलेटेड केसेस यहाँ पे लड़े जाएंगे, तो कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर यहाँ पे आएंगे। ऐसी एग्जाम्पल के मैं अगर बोलूँ, तो इनकम टैक्स के लिए भी एक अलग से बनाया गया। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी केसेस है, हमारी कंट्री में इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी केसेस है वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना, इनकम टैक्स के लिए जो ट्राइब्यूनल बनाया गया, ठीक है ना, इनकम टैक्स के लिए जो क्या बनाया गया, ट्राइब्यूनल बनाया गया, समझ मेरी बात, तो उसके ट्राइब्यूनल में जाएंगे, इसके लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल बनाया गया,
ठीक है ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हमको ये सारे ट्रिब्यूनल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ना हमको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना हमको इसके बारे में पढ़ना है, हमको ऐसे सब ट्रिब्यूनल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको सिर्फ ट्रिब्यूनल्स का मतलब समझा रहा हूँ। अब जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स है तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है ना। इनकम टैक्स अपेलेट, उसका नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, ITAT, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स आपको याद नहीं रखना, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अपेलेट ट्रिब्यूनल, आपको ये नाम याद नहीं रखना है बट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये सब क्या हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गए, स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस के लिए वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसी से रिलेटेड केसेस यहाँ पे लड़े जाएंगे, उसके अलावा और कोई केस यहाँ पे नहीं आएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि भैया यहाँ पे डिसीजन जल्दी आएंगे, डिसीजन डिले नहीं होंगे, ठीक है ना, डिसीजन जल्दी आएंगे, डिसीजन डिले नहीं होंगे। तो ये एक सेपरेट कोर्ट बन गए अलग से, ये क्या बन गए, सेपरेट कोर्ट बन गए अलग से। यस और नो, क्लैरिटी आ रही है सबको प्रॉपरली, यस और नो, ठीक है ना। अब उसमें से हमको दो ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ना है, एक NCLT और एक NCLAT। एक हमको पढ़ना है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एक हमको पढ़ना है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। दो टाइप के हमारे केसेस यहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। दो टाइप के केसेस हमको यहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस, दो टाइप के ट्रिब्यूनल हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मैं अगर आपको बताऊं ऑनेस्टली, तो आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, ठीक है ना, आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी, आपका जो काम रहेगा मेनली वो ये ट्रिब्यूनल के इर्द गिर्द ही रहेगा, यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उसको हैंडल करने का काम, ठीक है ना, वो सब कंपनी सेक्रेटरी ज्यादातर करते हैं। तो ये कंपनी लॉ का नॉलेज जो होता है वो सबसे ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी को होता है, तो उनको हैंडल करने का काम जनरली कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। तो आपको ये NCLT जो है वो बहुत ज्यादा फायदा देंगे, NCLT जो है आपको उसमें ही ज्यादातर क्या रहेंगे, काम रहेंगे, क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं। तो NCLT क्या है, अगेन एक ट्रिब्यूनल है। हमने क्या बोले, ट्रिब्यूनल मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड केसेस ही लड़े जाएंगे, ऐसे कोर्ट्स को क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूनल कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया, कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस NCLT में आते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में आते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस वो NGT में जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ऐसे अलग अलग मैटर से रिलेटेड केसेस आते हैं, क्लियर। अब सबसे पहला इसमें आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या है सर, ये कहां से बना, किसने बनाया सर? सर जैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमको समझ गया सर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए, देखो ध्यान से सुनना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काय के थ्रू बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ तो आप भी करा करो रिपीट, उससे क्या होगा ना, याद रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 124, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 बात करता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल नंबर 214 बात करता है किसकी, हाईकोर्ट की। आर्टिकल नंबर 214 किसकी बात करता है, हाईकोर्ट की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बने, तो NCLT भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना हुआ है? आंसर इज नो। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री की है, उन्होंने NCLT को बनाया अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2016। ये बहुत मजेदार चीज है कि जो NCLT बना ये कंपनीज एक्ट के तहत बना, यानी जो कंपनी लॉ बना है, कंपनी कानून बना हुआ है, कंपनीज एक्ट है, उसका सेक्शन नंबर 408 है। कौन सा सेक्शन नंबर, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 408 है, उसके थ्रू उसमें लिखा हुआ है NCLT बनेगा, यानी उसके थ्रू NCLT क्या हुआ, बना। तो NCLT कोई डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू NCLT नहीं बना, NCLT कहां से बना, नेशनल कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 408 के थ्रू, और उसको किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने उसको क्या किया, बनाया, यानी पावर दी गई वो सेक्शन 408 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट कि आपको NCLT बनाना है, ठीक है ना, और उसको बनाने का काम किसने करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा। और ये NCLT जो बना हुआ है भाई, ये 1st of June 2016 को से काम करना चालू करा, तो 1st June 2016 से ये NCLT हमारी कंट्री में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर और नॉट। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो सेक्शन 408 याद रखना है। इन द फर्स्ट फेज, एक्सक्यूज मी, जब नया नया NCLT बना था, तो जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आप समझो बात को,
हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको कहा जाता है एमसीए। हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कंपनी से रिलेटेड सारे मैटर्स का काम ये डिपार्टमेंट करता है। हमारी जैसे आपने सुने होंगे ना, एक रेलवे डिपार्टमेंट होता है, रेलवे मिनिस्ट्री होती है, ठीक है ना, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी होती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है कि हमारी कंट्री का जो फाइनेंस है, ठीक है ना, उसको हैंडल करती है, वित्त मंत्रालय जिसको बोला जाता है, हमारी कंट्री का जो फाइनेंस है उसको हैंडल करती है। रेल मिनिस्ट्री क्या करती है, हमारी कंट्री के जो रेलवे है उसको हैंडल करती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट की है वो क्या करती है, हमारी कंट्री का जो रोड बनाने वगैरह का काम है उसको हैंडल करती है। वैसे ही एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका एक डिपार्टमेंट। और ये एमसीए बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर क्या करता है, जितनी भी कंपनीज हमारी कंट्री के अंदर है उनसे रिलेटेड मैटर्स या कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है। तो ये एमसीए ही है जिन्होंने क्या करा, ये एमसीए है जिन्होंने क्या करा, हमारी कंट्री के अंदर एनसीएलटी की स्टार्टिंग में इनिशियली 11 बेंचेस यानी ब्रांचेस, बेंचेस का मतलब अभी आप समझो भाषा में ब्रांचेस, तो इनिशियली इन लोगों ने 11 बेंचेस हमारी कंट्री के अंदर क्या करी, सेटअप करी। 11 बेंचेस, बेंचेस का मतलब आप गावरानी भाषा में समझो ब्रांचेस, बेंचेस का मतलब आप गावरानी भाषा में समझो क्या होता है, ब्रांचेस, सिंपल सा। तो जब इनिशियली 2016 में एनसीएलटी फॉर्म हुई तो इनिशियली इसकी कितनी ब्रांचेस थी, 11 इनिशियली स्टार्टिंग में। बट मैं अगर आज की बात करूं, इन टूडेज टाइम में बोलू, टूडे एनसीएलटी की टोटल, एनसीएलटी की आज की तारीख में टोटल 16 बेंचेस है। यानी आज अगर कोई मेरे से पूछेगा तो बेंचेस जो है वो एनसीएलटी की टोटल 16, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये अनन्या मार्क नहीं किया, दैट मीन्स ये कुछ रिलीवेंस नहीं है, ठीक है ना, अननेसेसरी आपका भी काम नहीं आएगा क्योंकि हम लॉ नहीं पढ़ रहे अभी। अब समझो हम करंट अफेयर पढ़ रहे, वी आर नॉट स्टडिंग हियर लॉ, अभी हम लॉ नहीं पढ़ रहे, तो हम अभी लॉ की एकदम बारीकी में नहीं जा सकते, वो आप लीगल एप्टीट्यूड में जनरली अनन्या बच्चा जाते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको मार्क नहीं किया, दैट मींस वो आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ याद रखना सेक्शन 408 ऑफ 2013। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर करंट अफेयर छोड़ के हम लॉ पढ़ना चालू कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वो फिर भटक जाते हैं। अब इसके अंदर एक होती है, इसके अंदर एक होती है प्रिंसिपल बेंच, एक होती है प्रिंसिपल बेंच और 15 अदर बेंचेस। 15 क्या होती है, अदर बेंचेस, सर नहीं समझा बताता हूँ। देखो एनसीएलटी के अंदर टोटल कितनी बेंचेस है, 16, 16 में से एक क्या है, प्रिंसिपल बेंच है और 15 अदर बेंचेस है, ब्रांचेस है। बेंचेस का मतलब अभी का गावरानी भाषा में समझो ब्रांचेस है, ठीक है ना। टोटल मिला के कितनी ब्रांचेस है हमारी एनसीएलटी के अंदर, 16 ब्रांचेस अलग अलग शहरों में, नॉट इन वन सिटी, अलग अलग शहरों में, ठीक है ना। अभी अभी 16 हो गई है, लेकिन यहाँ पे 11 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब नया नया बनी थी एनसीएलटी इनिशियली फर्स्ट फेज में, इनिशियली स्टार्टिंग में, क्योंकि 2016 से अब तो 8 साल हो चुके हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके, तो अब उसकी ब्रांचेस को बढ़ा दिया गया, तो अभी उसकी ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे है। जो उसकी प्रिंसिपल बेंच है वो आज भी न्यू दिल्ली में, देखो प्रिंसिपल बेंच मतलब हेड बेंच, प्रिंसिपल बेंच का मतलब क्या हो गया, हेड बेंच, मेन ब्रांच, प्रिंसिपल बेंच का मतलब क्या हो गया, हेड बेंच। तो हेड बेंच उसकी कहां पे सिचुएटेड है, हेड बेंच उसकी सिचुएटेड है कहां पे, न्यू दिल्ली। और बाकी की जो अदर बेंचेस है वो याद नहीं रखना आपको कहां सिचुएटेड है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वो न्यू दिल्ली में भी है, अहमदाबाद, अलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, ऐसे अलग अलग शहरों में, अलग अलग शहरों में, क्यों, ताकि वो जो सिटी से रिलेटेड मैटर्स है वो वहां पे चले जाए, हर बंदे को दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। इट इज लाइक हर बंदे को दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े, जैसे उनके जो आसपास हो रहे हैं, जैसे गुजरात वाले अहमदाबाद चले जाएंगे, ठीक है ना, पंजाब वाले चंडीगढ़ चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल वाले चेन्नई चले जाएंगे, ठीक है ना, महाराष्ट्र वाले मुंबई चले जाएंगे, तो सॉरी माय मिस्टेक, वेस्ट बंगाल वाले कोलकाता चले जाएंगे और तमिलनाडु वाले चेन्नई चले जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर उसकी क्या बनाई गई, बेंचेस बनाई गई, समझ मेरी बात। अब देखो इस चार लाइन में से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन जाते। पहला क्वेश्चन, एनसीएलटी किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एनसीएलटी को किसने कॉन्स्टिट्यूट करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एनसीएलटी कौन से सेक्शन के तहत बनी है, 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एनसीएलटी की कितनी बेंचेस है आज की तारीख में, 16, एक हेड बेंच है और एक 15 अदर बेंचेस है। तो प्रिंसिपल बेंच है वो कहां पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। देखो चार पांच क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आते क्वेश्चन आते पेपर, ठीक है
ठीक है ना। तो प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, और बाकी अलग अलग शहरों में क्या है उसकी बेंचेस सिचुएटेड, ठीक है ना बेटा। बिहार वाले इलाहाबाद चले जाएंगे या जो अभी और उसकी बेंचेस है वहां चले जाएंगे, समझ में आ रही बात? यस सर। तो दिस बेंचेस विल बी, अब थोड़ा ध्यान से समझना बात, दिस बेंचेस विल बी हेडेड बाय प्रेसिडेंट एंड 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स। भैया ये जो बेंचेस है बेसिकली ये हेड करा जाएगा, इसमें एक होगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होगा एक, ठीक है ना। एनसीएलटी में एक क्या होगा प्रेसिडेंट, और उसके अलावा एनसीएलटी में 16 जुडिशियल मेंबर्स, 16 जुडिशियल मेंबर्स है और 9 टेक्निकल मेंबर्स है। 16 जुडिशियल मेंबर्स है और 9 क्या है टेक्निकल मेंबर्स। अब सर इसका मतलब क्या होगा, 16 जुडिशियल मेंबर्स है 9 टेक्निकल मेंबर्स है, इनका मीनिंग क्या हो गया सर? समझो 16 जुडिशियल मेंबर्स का मतलब ये होता है कि जिनको हमारी कंट्री में जुडिशियरी का, कोर्ट्स का, लॉ का नॉलेज, जुडिशियरी मतलब होता है कोर्ट्स, तो कोर्ट का लॉ का नॉलेज हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है जुडिशियल मेंबर्स। ऐसे लोगों को क्या जाता है, कहा जाता है जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है ना। तो एक तो हो गया प्रेसिडेंट जो ये पूरी एनसीएलटी को हेड करेंगे, उनके अलावा 16 जुडिशियल मेंबर जिनको लॉ का नॉलेज है, जिनको जुडिशियरी का नॉलेज है, जिनको किसका नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, जुडिशियरी का नॉलेज है, ठीक है ना, वो कहलाए जाते हैं जुडिशियल मेंबर्स। कोर्ट का नॉलेज है बेसिकली जो जजेस होते हैं, जो जैसे हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है कोई, फॉर एग्जांपल जो हाई कोर्ट में पहले जज थे अब वो रिटायर हो गए, या सुप्रीम कोर्ट में पहले कोई जज थे अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन लोगों को यहाँ का जुडिशियल मेंबर बनाया जाता है, उन लोगों को यहाँ का क्या बनाया जाता है, जुडिशियल मेंबर बनाया जाता है। और उसके अलावा 9 टेक्निकल मेंबर्स, उसके अलावा इसमें क्या है 9 टेक्निकल मेंबर्स। तुम मेरे से पूछोगे कि टेक्निकल मेंबर मतलब क्या, तो टेक्निकल मेंबर का मतलब होता है ऐसे लोग, टेक्निकल मेंबर का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको कंपनी लॉ का नॉलेज है, जो भी कंपनी लॉ एक्सपर्ट्स है, जो भी कंपनी लॉ क्या है एक्सपर्ट्स है, जो भी क्या है कंपनी लॉ एक्सपर्ट है, तो दे आर कॉल्ड एज टेक्निकल मेंबर्स। कंपनी लॉ के एक्सपर्ट जो होते हैं बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, टेक्निकल मेंबर्स। तो एक हो गया प्रेसिडेंट, 16 हो गए जुडिशियल मेंबर, और 9 हो गए क्या टेक्निकल मेंबर्स। तो टेक्निकल मेंबर्स मतलब ऐसे लोग जिनको कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स है, जैसे प्रवीण सर अगर फॉर एग्जांपल बनते हैं कल्चर के, एनसीएलटी में मेंबर बनते हैं प्रवीण सर कल्चर के, तो उनको टेक्निकल मेंबर बोल के बनाया जाएगा, बिकॉज उनको उनको क्या है कंपनी लॉ का नॉलेज है, कंपनी लॉ के वो एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो एक हो गया प्रेसिडेंट, 16 हो गए जुडिशियल मेंबर, और 9 हो गए टेक्निकल मेंबर्स जिनको कंपनी लॉ के बारे में इन एंड आउट पूरा अच्छे से। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बाद में एनसीएलटी की और बेंचेस खुली, अमरावती में खुली, कटक में खुली, इंदौर में खुली, जयपुर में खुली, कोची में खुली, ठीक है ना। तो ये देख लो 11+5=16, देख लो आप, पहले 11 थी यहाँ पे 11, बाद में ये 5 और खुली, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हो गई 16। मैंने आपको वही तो बताया कि आज की तारीख में एनसीएलटी की कितने बेंचेस है 16, एक प्रिंसिपल बेंच और 15 अदर बेंच। तो आपको इसमें ये अच्छे से याद रखना है कि इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे, बाकी बेंचेस कहाँ पे वो याद नहीं रखना, ठीक है ना। एक उसकी प्रिंसिपल बेंच, बाकी बेंचेस नाम याद नहीं रख सकते, नाम 15 शहरों के नाम याद नहीं रख सकते, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट प्रिंसिपल बेंच इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है ना। कितनी बेंचेस है आज की तारीख में 16। अगर स्पेसिफिकली देखो, क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान देना, अगर स्पेसिफिकली ऐसा पूछते हैं कि फर्स्ट फेज में, यानी जब इनिशियली फर्स्ट फेज मतलब होता है एकदम स्टार्टिंग में, एनसीएलटी की कितनी ब्रांचेस बेंचेस थी, तो स्टार्टिंग में 11 थी, बट बाद में उसको सब्सिक्वेंटली बढ़ाया गया, और बढ़ा के कितना कर दिया गया 16 कर, तो आज की तारीख में कितनी है 16। तो अगर वो पूछते हैं कि करंटली हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एनसीएलटी आर देयर, तो 16। ये डायरेक्ट पूछते हैं हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एनसीएलटी 16, बट वो बोलते हैं हाउ मेनी ब्रांचेस इन द फर्स्ट फेज ऑफ एनसीएलटी, तो दैट इज 11, That is called as, that is 11. तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एनसीएलटी का हेड कौन है, तो भैया एनसीएलटी प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं आज की तारीख में, तो एनसीएलटी का हेड कौन है, एक सेकंड, एनसीएलटी का हेड कौन है, तो एनसीएलटी का हेड है चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगम सुधाकर, इज ही प्रेजेंट करंटली इज द हेड ऑफ एनसीएलटी। इन्हें आज की तारीख में एनसीएलटी के जो प्रेसिडेंट है, मतलब हेड है, वो हेड है चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगन सुधाकर। मतलब ये बेसिकली
कोई पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, ये आरईटीडी का मतलब होता है रिटायर्ड, तो पहले ये कोई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है ना, जो अब रिटायर हो चुके, अब वहां से तो वो रिटायर हो गए, तो उनको एनसीएलटी में क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया, उनको एनसीएलटी में क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो वो रिटायर्ड है बेसिकली, पहले वो कहीं और चीफ जस्टिस थे, अब वो रिटायर हो गए वहां से, तो अब रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्सपर्टीज को यूज करने के लिए उनको दूसरी पोजीशन दे दी गई, उनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, कहां का, एनसीएलटी का, तो इनका नाम याद रखना है रामालिंगम सुधाकर, चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगम सुधाकर, समझ में आई बात। देखो हमने क्या क्या देखा, पावर से आराम से कोई घाई बड़ी, एनसीएलटी जो बना कब बना, 2016 फर्स्ट ऑफ जून 2016 में, एनसीएलटी है जो वो कब बना, फर्स्ट ऑफ जून 2016 में, मेरे साथ रिपीट करेंगे, कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट का 2013 जो सेक्शन है उसके तहत एनसीएलटी बना। इनिशियली फर्स्ट फेज में एमसीए जो है उन्होंने एनसीएलटी की 11 बेंचेस बनाई, इनिशियली एमसीए ने 11 बेंचेस बनाई, एक प्रिंसिपल बेंच जो आज भी न्यू दिल्ली में, पहले भी न्यू दिल्ली में थी, और बाकी के 10 अदर बेंचेस, बट बाद में उसको 16 कर दिया गया, दैट मींस वन प्रिंसिपल बेंच एंड 15 अदर बेंचेस। अब एनसीएलटी के अंदर एक होता है प्रेसिडेंट, 16 होते हैं जुडिशियल मेंबर और 9 होते हैं टेक्निकल मेंबर, ये याद रखना है, एक हो गया प्रेसिडेंट, 16 हो गए जुडिशियल मेंबर जिनको जुडिशियरी का नॉलेज है, और 9 हो गए टेक्निकल मेंबर, लॉ एज एन जुडिशियरी बोलना चाह रहा हूँ, वहां पर लॉ एग्जैक्टली जुडिशियरी का नॉलेज बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और आज की तारीख में बेटा न्यू दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल बेंच भी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो न्यू दिल्ली के अंदर दो बार इसलिए आया क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर एक प्रिंसिपल बेंच भी है और उसके अलावा एक नॉर्मल बेंच भी है, क्योंकि न्यू दिल्ली बड़ा है बेसिकली, उसके आसपास के एरियाज भी वहां पे कवर हो जा रहे हैं, न्यू दिल्ली के आसपास के भी, तो एक न्यू दिल्ली के अंदर जो हेड बेंच है, मेन बेंच, और बाकी जो अदर वाली, एक अदर वाली बेंच भी वहां पे, दो दो है। तो रामालिंगम सुधाकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी, इनमें से क्वेश्चन बनने के सवाल पैदा होते हैं बहुत सारे, समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन इसे बन सकते हैं, एक साथ 5-6 क्वेश्चन यहीं से नहीं आएंगे, बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर, तो ये अच्छे से आपको दिमाग में रख, आई होप याद हो गया होगा। देखो करंट बेंच पूछे तो 16, कॉमन सेंस है ना, 16 बेंचेस है करंट, श्रेया, ठीक है। अब इसके बाद आती है एनसीएलएटी, थोड़ा ध्यान से सुनना, एनसीएलएटी समझना मेरी बात ध्यान से, पीछे मैं अलग से समझाता हूँ एनसीएलएटी। अब जैसे मान लो आप एनसीएलटी गए, ठीक है ना, और आपको एनसीएलटी में जाने के बाद न्याय नहीं मिला, आप एनसीएलटी गए, ठीक है ना, आपको एनसीएलटी में जाने के बाद न्याय नहीं मिला, WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो WEF यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये कब से बनी, WEF स्टैंड्स फॉर विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये बनी, ठीक है ना। तो अगर मैं एनसीएलटी की बात करूं, तो अगर आपको एनसीएलटी में न्याय नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप कहां जा सकते हो, एनसीएलएटी, मतलब उससे बड़ी ट्रिब्यूनल, यानी आप पहले एनसीएलटी में गए, आपको लगा कि यार मेरे वहां पे केस चल रहा था, आप केस हार गए, ठीक है ना, आपको वहां पे न्याय नहीं मिला, तो आप बोले यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं एनसीएलटी के डिसीजन से, एनसीएलटी वालों ने मेरे साथ अन्याय किया, एनसीएलटी वालों ने मेरे साथ बराबर नहीं किया, मैं उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप कहां चलेगे उसके अगेंस्ट में, एनसीएलएटी चलेगे, उसके अगेंस्ट में आप कहां चलेगे, एनसीएलएटी चलेगे, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके अगेंस्ट में आप कहां चलेगे, एनसीएलएटी चलेगे, समझ मेरी बात। अब बेसिकली एनसीएलएटी इज अ हायर ट्रिब्यूनल, जहां पे नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कोई भी डायरेक्टली एनसीएलएटी नहीं जाएगा, पहले वो एनसीएलटी जाएगा, एनसीएलटी में उसको न्याय नहीं मिला तो वो फिर कहां जाएगा, एनसीएलएटी। अब देखो NCLAT कब बना, वो भी सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बना, मतलब मजा देखो, सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत NCLAT बना, 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसके तहत क्या बना, NCLAT बना, ठीक है ना, ताकि जो हायरिंग और ताकि वो अपील्स जो है अगेंस्ट NCLAT सुन सके विद इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ जून 2016। तो पहले थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट समझो, NCLAT भी कंपनी लॉ के थ्रू बना, कंपनी एक्ट के तहत ही बना, मतलब मजा ये हुआ, मजा ये आया, ये बना सेक्शन 408, यानी ये बना सेक्शन 408 के तहत, और ये जो है मजा देखो कितना है,
ये बना सेक्शन 408 के तहत और ये बना सेक्शन 410 के तहत, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 408, तो सेक्शन 408 पहले आता, पहले आप एनसीएलटी जाओगे, फिर उसके बाद सेक्शन 410 आता, तो आप उसके बाद कहाँ जाओगे, एनसीएलटी जाओगे। तो पहले सेक्शन 408 आता, एनसीएलटी जाओगे, फिर उसके बाद सेक्शन 410 आता, आप उसके बाद कहाँ जाओगे, एनसीएलटी, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एनसीएलटी बना उसका काम क्या है कि आप कोई भी मैटर आपका जो एनसीएलटी में आप हार गए हो तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, एनसीएलटी कब जाओगे, जब आपको एनसीएलटी में न्याय नहीं मिला तो आप एनसीएलटी जाओगे, ठीक है ना। अच्छा मजे की बात, उसके अलावा हमारी कंट्री में एक सीसीआई है, सीसीआई, सीसीआई बड़ा मजेदार है। अभी ज्यादा डिटेल में तो सीसीआई के बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक में, बट एक छोटा सा सुन लो, हम पढ़ते टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते इसके बारे में। सीसीआई का मतलब होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या चीज है, तो हमारी कंट्री कंट्री में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, कि हमारी कंट्री में कंपटीशन प्रमोट हो, ठीक है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करा गया है, बनाया गया है ना। हमारी कंट्री में कंपटीशन प्रमोट हो, ठीक है ना, कोई मोनोपोली क्रिएट ना कर दे, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मोनोपोली क्रिएट ना कर दे जिससे कस्टमर्स को नुकसान हो। अगर मान लीजिए कोई मोनोपोली क्रिएट कर देगा तो कस्टमर को उसके वजह से नुकसान होगा, तो मोनोपोली क्रिएट ना कर दे कोई, इसीलिए उनके अगेंस्ट में क्या, सॉरी, उनके लिए क्या बनाया गया, सीसीआई बनाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, कानू गुप्ता, ठीक है। तो कानू गुप्ता नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, बेसिकली हमारी कंट्री में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना, कोई भी डोमिनेंट पोजिशन अपनी, कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना कर। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर दे दिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर दे दिया है, तो आप यहाँ पे उनके अगेंस्ट में भी कहां पे जा सकते हो, एनसीएलटी में। तो अपील अगेंस्ट, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सीसीआई, मतलब बेसिकली एनसीएलटी में, एनसीएलटी के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं आप। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, बताओ जी। और उसके अलावा एक होता है इब्बी, इब्बी, बीबी नहीं भाई, इब्बी, अच्छा बीबी बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग, है ना, इब्बी। अब इब्बी क्यों है, इब्बी क्या चीज है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एक्चुअली ये कंटेंट आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया है, जो आपका इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स है, कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, इंसॉल्वेंस इब्बी क्या होता है, बट उसको वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे उसका पॉइंट सिर्फ पॉइंट के लिए दिया हुआ है। अब जैसे ये इब्बी जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इब्बी का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी हमारी कंट्री के अंदर जो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब जो अपना उधार नहीं चुका पाते, विजय मान ले एग्जांपल के लिए, जो लोग अपना उधार नहीं चुका पाते हैं, ठीक है ना, उनको कहा जाता है इंसॉल्वेंट, जिनकी ये कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो अपना उधार चुका पाए, ठीक है ना। तो ऐसे बंदों को हैंडल करने के लिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया। जैसे कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, मतलब बैंकरप्सी से रिलेटेड, मतलब ऐसे लोग जो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गए, ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए क्या बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया। तो इसके अगेंस्ट में भी, अगर इसने भी आपके खिलाफ कोई ऑर्डर दे दिया है, तो आप इसके अगेंस्ट में भी कहां जा सकते हो, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इब्बी, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इब्बी, अब इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे जा सकते हो एनसीएलटी में, ठीक है ना। उसके अलावा एक आता है एनएफआरए, ये बेसिकली आप समझ लो हमारी कंट्री के अंदर जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई। हम आगे देखेंगे इसके बारे में, फुल फॉर्म में बता देता हूँ, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हमारी कंट्री में जो सीए वगैरह है, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हमारी अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह है, सीएस है, ठीक है ना, तो उनके लिए बेसिकली एक एनएफआरए बनाया गया, उनके ऊपर एक रेगुलेशन करने के लिए, कि उनको रेगुलेट करने के लिए। अभी ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एनएफआरए के अगेंस्ट में भी आप कहां जा सकते हैं, एनसीएलटी में जा सकते हैं। तो बेसिकली एनसीएलटी का दायरा बहुत बड़ा है, एनसीएलटी में सिर्फ एनसीएलटी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, एनसीएलटी के अगेंस्ट में आप एनसीएलटी जा सकते हो, सीसीए के अगेंस्ट में भी एनसीएलटी जा सकते हो, इब्बी के अगेंस्ट में भी एनसीएलटी जा सकते हो, एनएफआरए के अगेंस्ट में भी एनसीएलटी जा सकते हो। देखो मैंने अभी सीसीआई और इब्बी क्लियर किया भी नहीं ज्यादा डिटेल में, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी इब्बी का डायरेक्ट मतलब नहीं दिया है और ना यहाँ पे सीसीआई का मतलब दिया है, क्योंकि हम फर्स्ट टॉपिक में इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले बहुत डिटेल में, बट फिर भी मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो हमारी कंट्री के अंदर मोनोपोली को प्रमोट नहीं होने देती, ठीक है ना, और कंपटीशन को प्रमोट करती है। जब भी उनको लगता है कि भैया कंपटीशन हमारी कंट्री के अंदर कम हो रहा है बिजनेसेस के अंदर, ठीक है ना, या जब भी लगता है कि कोई अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कल चल के अगर एयरटेल और जियो ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों मर्ज कर लेते हैं मतलब हम दोनों मिल जाते हैं और एक सिंगल कंपनी बना लेते हैं, एयरटेल अलग कंपनी है, जियो अलग कंपनी है, कल चल के मान लो ये दोनों मिल जाते हैं और मिलके बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, अब मिलके काम करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग कॉम्पिटिटर बन के काम नहीं करेंगे, मिलके काम करेंगे। अब उससे उनका फायदा क्या होगा कि वो लोग जो चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कल चल के वही चीज वो लोग 150 या 200 रुपए में बेचेंगे, लोगों को खरीदना पड़ेगा। आज अगर जियो वाला कोई चीज महंगे में दे रहा है तो हम एयरटेल में चले जाते, एयरटेल वाला कोई महंगे में दे रहा है तो हम जियो में चले जाते, वो आइडिया वोडाफोन तो बचे ही नहीं, ठीक है ना, खैर पॉइंट समझ में आ रहा है। अब कल चल के अगर ये दोनों एक सिंगल कंपनी बन जाते हैं तो पब्लिक को, कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा कंट्री के अंदर। तो फिर ऐसे केसेस में सीसीआई पिक्चर में आ जाती है, तो सीसीआई इन दोनों को एक होने नहीं देगी, सीसीआई ये दोनों कंपनी का मर्जर होने नहीं देगी, सीसीआई बोलेंगी नहीं अगर तुम दोनों कंपनी मर्ज होंगी तो उससे कंट्री के अंदर कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली फिर क्या होगा, सीसीआई इनको ऑर्डर दे देंगे कि तुम क्या नहीं कर सकते, मर्जर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन खत्म हो। वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल जिसको अगर पता होगा तो उनके केस में भी जब उनका मर्जर हुआ, आइडिया अलग कंपनी थी, वोडाफोन अलग था, उनका जब मर्जर हुआ तो वीआई बना जो, ठीक है ना, तो उसके पहले भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन ली गई कि भैया हम मर्ज करना चाहते हैं, एक कंपनी बनना चाहते, उसके पहले भी सीसीआई से परमिशन ली गई, तो सीसीआई ने उनको परमिशन दे दिया क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनी थी, वैसे ही बर्बाद हो रहे थे, तो उनके मर्ज होने से वो कंपनी बच जाएंगी, वो उनसे मोनोपोली खत्म नहीं होंगी, क्योंकि मार्केट में जियो और एयरटेल ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स थे, तो उनके एक होने से कंपटीशन खत्म नहीं हो रहा है। तो सीसीआई ये बात का ध्यान रखता है कि कंपटीशन हमारी कंट्री के अंदर प्रमोट होना चाहिए, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद इब्बी जो है वो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर, जो लोग बैंकक्रप्ट हो गए, मतलब जो लोग अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसी कंपनीज ऐसे लोगों को हैंडल करने का काम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। वो भी नहीं करने देंगे टेकन में, तो भी नहीं होने पॉसिबल। और आज की तारीख में श्री अशोक भूषण वो एनसीएलटी के चेयरपर्सन है, आपको ये भी याद रखना है, यानी ये जो चार पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट में यही दिया हुआ है, पहले वाले में एनसीएलटी, दूसरे वाले में इब्बी, तीसरे वाले में सीसीआई और चौथे वाले में एनएफआरए, ये लिखा हुआ है कि ये सब कहां पे जा सकते हैं, एनसीएलटी जा सकते हैं अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटीज के अगेंस्ट के ऑर्डर में वो लोग कहाँ जा सकते हैं, एनसीएलटी जा सकते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारे को एक और मन में सवाल आ रहा होगा, मैं डाउट लेता हूँ, एक मिनट कंप्लीट करने दो पॉइंट, मैं डाउट लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो एनसीएलटी में भी उनको न्याय नहीं मिला तो वो लोग एनसीएलटी के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, मान लो अब उनको न्याय एनसीएलटी में भी नहीं मिला तो वो लोग एनसीएलटी अगेंस्ट में कहाँ जा सकते, एनसीएलटी के अगेंस्ट में वो लोग कहां जा सकते। अब मैं सर गया पहले एनसीएलटी, वहां मेरे को न्याय नहीं मिला, मैं एनसीएलटी गया, एनसीएलटी में भी हमारी कंपनी को न्याय नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे। इसके बाद सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट बीच में नहीं आता यहां पे, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते, उसके बाद आपके पास इसके पास पावर है कि आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बीच में, ठीक है ना, क्लियर, ये सुन लो, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पे पहले कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछो, सर बट एनसीएलटी में क्या ग्रीवेंस लेके जाते होंगे। बेटा कंपनीज के बीच में झगड़े होते हैं, कंपनी से, कंपनी लॉ से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स रहते हैं, कंप्लायंसेस नॉन कंप्लायंसेस के,
ठीक है ना, वो सारे मैटर्स कंपनी को बंद करना है, वो मैटर्स बाइंडिंग अप करना है, कंपनी को बंद करना है, वो सारे मैटर्स एनसीएलटी में जाते हैं पहले। तो अगर आपको आपके भाई सूरज सतीजा एफर्ट्स के एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे और सीएस का इंडिया टीम के, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, उससे पता चलता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है यानी, और रीच बढ़ती है। क्लैरिटी आ रही है। अब इसमें नाम याद रखना पड़ेगा आपको, किसका? अशोक भूषण जी का, ठीक है ना, किसका नाम याद रखना पड़ेगा? अशोक भूषण जी का। अशोक भूषण कौन हो गए? एनसीएलटी के चेयरपर्सन हो गए, हेड हो गए। देखो रामालिंगम सुधाकर इज द चेयर इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी, और एनसीएलटी जो है उनके प्रेसिडेंट, उनके चेयरमैन कौन है? अशोक भूषण। ये दोनों के नाम अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच इमरान, क्या रिपीट करूं भाई कानू गुप्ता, जब से तुम आए हो सिर्फ एक ही वर्ड बोल रहे हो, रिपीट कर दो। क्या आगे लिख दोगे ना कि सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो, मैं बिल्कुल कर दूंगा फटाफट से रिपीट, ठीक है। वाइंडिंग अप के चांस केस में नहीं आती है टेकन में, जो लोन लेने के बाद वापस नहीं दे सकते तो क्या किया जाए सर? तो ऐसे केसेस में उनकी प्रॉपर्टी सेल करी जाती है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने गिरवी रखी होंगी। नहीं अगर इंश्योरेंस नहीं, उसके केस में नहीं होगा, अभी वैभव मौर्य वो अलग केसेस होते हैं सर। अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ तो एनसीएलटी हाँ जाते हैं। यस स्मिता, और कोई डाउट से तो पूछ सकते हो आप लोग बिंदास। ऐसे लीगल एप्टीट्यूड में होने का है या हो गया है टॉपिक, ये वाला मेरे को नहीं पता, मतलब लीगल एप्टीट्यूड में टॉपिक हो गया है या होने का है, जिस हिसाब से तुम लोग इंटर से पढ़ रहे हो लग रहा है कि हो गया या होने का पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले पढ़ा दे तो या प्रोफेसर पहले पढ़ा दे, कॉमन टॉपिक है, उसमें भी रहता है यहाँ पे भी रहता है, वहाँ थोड़ा डिटेल में है क्योंकि लॉ है वो, अपना करंट अफेयर है तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं है ऐसा। तो प्रॉपर्टी ना हो तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सर। सीसीआई बेटा, सीसीआई हमारी कंट्री के अंदर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करता है। कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने का मतलब कोई भी अगर बंदा मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देगा, वो ध्यान रखता है कौन? सीसीआई। और कॉम्पिटिशन को ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में क्या करता है? प्रमोट करता है। होने का अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब बेटा, ये ट्रिब्यूनल ही तो पढ़ रहे थे हम, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट, ये जो यहाँ पे दिया है ना बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, इसी का मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया कि ट्रिब्यूनल का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट, जो कोई स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड कोर्ट बनाए जाते हैं ना, ऐसे कोर्ट जहाँ पे जो मैटर से रिलेटेड वो बनाए गए कोर्ट से वही केसेस वहाँ पे जाएंगे। अब एनसीएलटी में कोई मर्डर या चोरी का केस लेके नहीं जाएगा, वहाँ पे कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस ही जाएंगे। नहीं ना आयुष पाठक, वो अलग केस हो गया, वो तो चोरी का केस हो गया, वो तो नॉर्मल जगह जाएगा। हाँ जा सकते हैं श्री, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी अलग अथॉरिटीज है, ठीक है ना बेटा। कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, ये लोग ही हैंडल करते हैं, मिलके करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो कंपनी सेक्रेटरी भी जा सकते हैं एनसीएलटी में, कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिजनेस कंपनीज के रिलेटेड मैटर जो भी रहेंगे वैभव वही आएंगे। एयरटेल वोडाफोन के साथ मर्जर करती तो भी उनको नहीं रोकती, आप समझो, आप बात को समझो। ये तो सीसीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके मर्जर को रोकेंगे किसके नहीं, बट आप ये पॉइंट को समझो कि दो ऑर्गेनाइजेशन अगर मर्ज हो रही है और उनके वजह से हमारी कंट्री में कॉम्पिटिशन अफेक्ट हो रहा है, कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है, तो फिर बीच में सीसीआई आके उनको रोक देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे अगर कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है। अगर कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हो रहा है, जैसे एयरटेल सॉरी जैसे वोडाफोन और आइडिया, उनके मर्ज होने से कंपटीशन खत्म नहीं हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो लोग कंपनीज बहुत नॉर्मल छोटी कंपनीज हो चुकी थी, एयरटेल और जियो बहुत बड़ी कंपनीज हो चुकी थी। तो अगर आइडिया और वोडाफोन एक भी हो रहे थे तो उससे क्या खत्म नहीं हो रहा था? कॉम्पिटिशन अफेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए उनको परमिशन दी गई। लेकिन एयरटेल और जियो एक हो जाएंगे तो उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। अब एयरटेल और आइडिया एक हो जाते तो उसमें भी कॉम्पिटिशन चेक करेंगे कि कॉम्पिटिशन अफेक्ट हो रहा है या नहीं। सर एनसीएलटी के पास जो अपील कर सकते हैं, एनसीएलटी के पास ये ले भाई स्क्रीनशॉट,
क्लियर, NFRS समझ आया सर जी। अच्छा अच्छी बात है ताले, TLTEL सॉरी, क्लियर। अली क्रिएशन अपने को वो नहीं करना है ना यहाँ पे, नहीं आया हो रहा NFRA, इतना समझ लो अभी NFRA के ऊपर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं मैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज, हमारी कंट्री के अंदर जो फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई, स्पेसिफिकली अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप इट इज क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे कुछ केस लॉज हमको डिस्कस करने, कल मतलब कल ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ केस लॉज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल के जो केस लॉज है, जजमेंट्स है, आज मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको भी दिक्कत देंगे, तो कल हम केस लॉज डिस्कस करेंगे, और कल ICS, कल ऐसे नेक्स्ट क्लास में, नॉट कल, ठीक है ना, कल संडे है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ सारे डिस्कशन आगे के करेंगे, आज यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना, ठीक है ना, और हम जानबूझ के इतना उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपको रोज याद भी हो जाए और आपके दिमाग में बैठ भी जाए, ठीक है ना, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो मैं यहाँ तक भी पढ़ा देता था लेकिन वो मजा नहीं आएगी वो पॉइंट्स पे, क्लियर। तो हम मिलते हैं आप कल की क्लास में, कल ऐसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जाना वीडियो के नीचे, ठीक है ना, कोई भी अगर डाउट पेंडिंग रह गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।